तो मेरे सामने यहाँ पे माइनिंग की ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं $74 जो है वो इस टाइम में माइन यहाँ पे चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे मोबाइल पे रियल माइनिंग करना बताऊंगा कि आप रियल में बिटकॉइन माइनिंग अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लाइव अभी जो मैंने उससे अर्निंग की है वो भी शो करवाऊंगा, उसका आपने विड्रा कैसे लेना है वो भी अभी आपको मैं इसी वीडियो में लाइव शो करवाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि अली भाई आपने हमें ये तो बता दिया कि सिस्टम से माइनिंग कैसे करते हैं, हमें बताएं कि मोबाइल पे माइनिंग कैसे कर सकते हैं किसी ऐप को इस्तेमाल करते हो। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरली बताऊंगा कि आप ऐप को यूज हुए अपने मोबाइल से माइनिंग कैसे कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि भाई किसी किस्म का आपके मोबाइल के ऊपर यहां पे लोड नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के फिर माइंड में ये चीज आती है कि शायद हम अपने मोबाइल से माइनिंग करेंगे तो मोबाइल का प्रोसेसर उसमें यूज होगा। नहीं, बेसिकली ये क्लाउड माइनिंग होगी, इसमें आपके मोबाइल का कोई चीज यूज नहीं होगी, सारी चीजें जितनी भी होंगी वो ऑनलाइन होगी, आपके मोबाइल के ऊपर किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं आएगा। तो जितनी मैंने इससे अर्निंग की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे विड्रॉ लेना है वो भी अभी आपको यहां पर बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत जबरदस्त होने वाली है वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको फर्स्टली अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो मैं अपने चैनल के ऊपर माइनिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो आपके लिए लेके आता रहता हूं डेली बेस पे। अगर आप मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी मैं यहां पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। जस्ट यहां पर सिंपली मैंने प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे ऊपर सर्च में आपने लिखना है स्ट्रॉन्ग गेन बिटकॉइन एक्सचेंज ऐप, ठीक है, या बिटकॉइन एक्सचेंज ऐप लिख लें या बिटकॉइन वैलेट लिख लें। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर जब आप इसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप इस तरह इसे सर्च नहीं करना चाहते तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने ये एप्लीकेशन इस तरह ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसे से ओपन करता हूं तो उसके बाद यहां पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है साइन इन का और क्रिएट एन अकाउंट का। अगर तो आप यहां पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहां पे फर्स्टली आपने अपना ईमेल लगाना है, उसके बाद आपने कोई भी एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है जिसमें कैपिटल वर्ड्स भी आए, स्मॉल लेटर्स भी आए, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बता देता हूं, यानी कि डी बड़ा लगाएं यहां पर, उसके बाद आप यहां पर अली रजा, ठीक है, और 123 और कुछ ना स्टेरिक डॉलर, ये इस तरह ये देखिए। अब ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, नीचे आपको बता भी रहा, इस तरह आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है ताकि बाद में आपका अकाउंट जो है वो हैक ना हो सके, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे बता दिया। तो जस्ट उसके बाद आपने यहाँ पे इस्लामिक अकाउंट वाले ऑप्शन को ऑन करना है, ये नीचे जो आपको मिला इसे आपने मस्ट ऑन करना है। अगर आप यूएसए से हैं तो आप इसे ऑफ कर देंगे इस तरह, अगर आप यूएसए से नहीं हैं तो आप इसे ऑन रहने देंगे, और जस्ट ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया। मैं जस्ट नीचे यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करूँगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे बायोमेट्रिक भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैंने अपने थंब पे भी इसे इंस्टॉल कर लिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे थंब प्रिंट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ये देखें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके रेट्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे फर्स्टली ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स का और ट्रेड का। जैसे ही आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ट्रेड चल रही होगी ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपकी ये वाली ट्रेड जो है वो यहाँ पर अभी चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लिमिट्स हैं, उसके बाद क्लोज्ड पे आते हैं तो ये देखें जितनी मैंने ट्रेड्स की हैं उसमें से जितना जितना प्रॉफिट हुआ है, जो जो चीज़ें हैं वो सारी जो है वो डिटेल यहाँ पर मुझे आ रही है, ठीक है, $2, $3, ठीक है, $118, $91, ये मैंने कल जो वीडियो ऐड की थी उसमें $91 का अलहमदिल्ला मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। अब उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं पांच, ट्रेडिंग एक्सचेंज माइनिंग वैलेट्स मोर का ऑप्शन। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सभी कॉइन्स मिल जाते हैं जिन पे आपने ट्रेड करनी है, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन दे देता है। तो अभी मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा क्योंकि इस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे ऐड की हैं। उसके बाद नीचे आती है एक्सचेंज का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अब यहाँ पे USDT के अंदर $91 है, मैं इन्हें BTC में भी चेंज कर सकता हूँ, किसी भी दूसरे कॉइन्स में भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये देखें डैश में, Zcash में या दूसरे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में चेंज कर सकता हूँ।
जब आप विड्रा यहाँ से लेते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट, तो USDT के अंदर अगर आप विड्रा लेंगे तो आपको यहाँ पे $35 टैक्स लगेगा। तो अगर आप अपनी USDT को डैश में कन्वर्ट कर लेंगे या जी कैश में कर लेंगे तो आपका यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस चीज़ का मुझे भी ऑलरेडी नहीं पता था, मैंने जो विड्रा की वीडियो ऐड की थी अपने चैनल पर उसमें मैंने $35 टैक्स पे किया था, लेकिन मुझे इसमें बाद में पता चला कि आप इसमें इस तरह इस एक्सचेंज की मदद से अपने USDT को दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट कर लें, उस पर आपका रेट जो है वो विड्रा का बहुत कम लगता है। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। अब हम चलते हैं माइनिंग की तरफ कि यहाँ पे बेसिकली माइनिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेंटर में ये ऑप्शन, बड़े वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, अनलॉक स्टैकिंग, ठीक है, अन इंटरेस्ट, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन है माइनर का। मैं जस्ट वन टाइम इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे माइनिंग की ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं $74 जो है वो इस टाइम में माइन यहाँ पे चुका हूँ। एक चीज़ मैं आपको यार क्लियरली यहाँ पे बता दूँ, किसी किस्म की मैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करवाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो मिस गाइड कर देते हैं। देखें, अब अगर ये $74 जो है, मैं अभी आपको विड्रा भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ, विड्रा करूँगा, ये डायरेक्ट मैं अपने वैलेट में विड्रा नहीं करवा सकता कि ये मेरा प्रॉफिट है, नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है। इन पैसों से मैं ट्रेड करूँगा और ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट होगा उसे मैं विड्रॉ करवा सकता हूं। सही है, अभी मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूं, ये देखिए मिनिमम $10, मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूं, ठीक है, ओके पे क्लिक करूंगा, ये विद इन 5 मिनट मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। यहां पे पेमेंट जीरो हो चुकी है। वैलेट में आते हैं तो यहां पे $1155 अवेलेबल है, अभी वो वाला इसमें ऐड होने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम के लिए वीडियो को स्टॉप किया था, तो आप देख सकते हैं जो बैलेंस था वो मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे $1229 हो चुके हैं। ये वाले जो डॉलर्स हैं इनसे मैं ट्रेड करूँगा, इन्हें मैं विड्रा नहीं डायरेक्ट करवा सकता, इनकी मदद से मैं ट्रेड करूँगा, उससे जो मुझे प्रॉफिट होगा उसे मैं डायरेक्ट अपने अकाउंट में विड्रा करवा सकता हूँ। अब उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया विड्रा का, तो जैसे ही आपने ये सेंटर वाले बटन पे क्लिक करके अगेन इस पर आएंगे तो इस पर आपको ये देखें यहाँ पे ये ग्रीन सा बड़ा सारा जो बटन नज़र आ रहा है, आपने वन टाइम इस पर क्लिक करना है, इस पर आप ये पज़ल सॉल्व करवाता है। तो ये ऐड है, इसे मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि मोबाइल पे माइनिंग नहीं होती, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है और नीचे मेरी अर्निंग भी है जो स्टार्ट हो चुकी है, 0.01 USDT हो चुकी है। ये 4 आवर्स के बाद आपको जस्ट वन टाइम अगेन इस पर क्लिक करना होता है, तो फिर आपकी माइनिंग जो है वो चलती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे माइनिंग इंक्रीज़ कैसे होती है। उससे पहले मैं एक चीज़ सॉरी आपको और बता दूँ, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वैलेट्स का, आपने इस पर आना है। तो इस पर आपको जितने USDT होंगे आपके पास ट्रेडिंग के लिए वो शो हो रहे हैं। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे रियल USDT है, मैं वन टाइम इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें यूर ऑन फंड्स $91, एक्टिव बोनस जो है वो ये मेरे पास बोनस है नीचे, इससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और उसके ऊपर जो $91 है ये मेरा प्रॉफिट है, इन्हें मैं यहाँ से विड्रा करवा सकता हूँ। उसके लिए नीचे आपको ये देखिए विड्रा का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप वन टाइम इस पर क्लिक करेंगे तो विड्रा हो जाएगा। वो कैसे होता है उस पर मैंने लाइव वीडियो भी ऐड किया अपने चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, आपने इस पर आना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है रेफर ए फ्रेंड का, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपने अपने रेफर की मदद से यहाँ पे दोस्तों को लेके आना है। उसमें ये होता है कि भाई जितनी अर्निंग आपके दोस्तों की भी होगी ना, उसमें से 15% उनकी अर्निंग जो है वो भी आपको दी जाती है। ये देखे 15% ऑफ फंड्स विड्रा फ्रॉम क्लाउड माइनिंग बाय योर रेफरल्स, ठीक है, जो भी आपके रेफर से यहाँ पे आके क्लाउड माइनिंग करेगा स्टार्ट, ठीक है, उसमें से 15% आपको दिया जाएगा। तो इस तरह यानी कि आप माइनिंग स्पीड जो है वो फास्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने रेफर्स भी इंक्रीज़ करें, फेसबुक पे यार शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेफर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल इनिशियल हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डेमो अकाउंट्स भी क्रिएट होते हैं, यहाँ देखिए डेमो अकाउंट ऑन करें और डेमो अकाउंट में भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे ट्रेड की जाती है अगर आपको नहीं पता। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये सारी, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, माइनिंग करने का प्रोसेस भी बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी माइनिंग जो है वो चल रही है और मेरे USDT इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब भी आपके कोई किसी किस्म का मोबाइल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई आपकी मेमोरी यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये क्लाउड माइनिंग है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेशक यहाँ से इस ऐप को इस तरह नीचे क्लोज़ कर दें, अपनी माइनिंग बैकग्राउंड पर चलने दें, बेशक इसे बंद कर दें, नो इशू, आपकी माइनिंग चलती रहेगी। बस 4 आवर्स के बाद इसे ऑन करें और दैट्स इट, एक दफ़ा दोबारा इस माइनिंग को स्टार्ट कर दें और आपकी माइनिंग होती रहेगी। इन्वेस्टमेंट आपने बिल्कुल नहीं करनी यहाँ पे, डिपॉजिट बिल्कुल नहीं करना, जो आपकी माइनिंग से अर्निंग होगी उस अर्निंग को आपने इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करनी है और प्रॉफिट लेना है। कैसे करनी है ट्रेडिंग उसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में वीडियोज़ ऐड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, ये थंबनेल्स भी आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, ये वीडियोज़ देख लें, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने लाइव आपको प्रॉफिट लेके दिखाया इस एप्लीकेशन से।
तो बाकी मैं इस पे इंशाल्लाह मजीद भी बहुत अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे प्रॉफिट लेते हैं। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे बर वक्त फ़ायदा ले सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।